तेलंगाना से हज पर जाने की कामना करने वालों के लिए एक खुशी की खबर है। देश भर से हज पर जाने वाले यात्री कोटे में वृद्धि के बाद तेलंगाना के कोटे में भी 826 हज यात्रियों की वृद्धि की गई है। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिटायर्ड IFS मोहम्मद अब्दुल वहीद ने मीडिया से बात करते हुए वेटिंग लिस्ट के हज यात्रियों से अपना पासपोर्ट और इंस्टॉलमेंट जमा कराने का कहा है। काफ़ी कोटा तेलंगाना रियासत को कितना मिलेगा उसकी अब तफसीलात आ चुकी हैं हमारे पास। तेलंगाने का जो इजाफी कोटा है वो 821 नशिस्तों का है जो तेलंगाना को अब इस वक्त अलाट हुई हैं। तो इस तरह से हम इन लोगों को इंटीमेशन भेज चुके हैं जो आजमीन वेटिंग लिस्ट में हैं। आप लोगों को याद होगा कि 308 वेटिंग लिस्ट तक हम आजमीन को मुतल्ला कर चुके थे और उनकी दो अफसात और फिर पासपोर्ट वगैरह की का जमा कराने का अमल हो चुका था। अब हम 309 से वेटिंग लिस्ट नंबर 309 से लेकर 1172 तक इन सबको इतला दी जा रही है प्रेस के ज़रिए और ये टीवी चैनल्स के ज़रिए के वो अपने दो अफसात अखराजात की और फिर अपना पासपोर्ट जमा कराएं ताकि उनकी बाकिया जो कार्रवाई है वो